लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। टू मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ के लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ गया तो आगे जो कैपेसिटेंस के जो चीजें हैं रिलेवेंट वो आपको अच्छे से समझ जाएगी एंड उसको आप इमेजिन कर पाओगे सही ढंग से। विजुअलाइजेशन चाहिए होता है ना फिजिक्स में, वो अल्टीमेटली आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक्सप्लेनेशन, ये रफ वर्क है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ गया तो कैपेसिटर क्या है ये आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी पर्सनल गारंटी। देखो सबसे पहले मेरे पास प्लेट ए है, ठीक है। प्लेट ए को आपने चार्ज दे दिया, मतलब मान लो उसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो प्लेट है ये अपना एक पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ अ क्यू एंड जो भी पॉइंट पे आप कंसिडर करना चाहते हो तो वो R उसके हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू प्लेट वन के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज माई स्टेप नंबर वन। ये प्लेट को नाम देते हैं प्लेट ए। अब ये काम करते हैं, ये जो प्लेट ए है, सिचुएशन टू देखो, प्लेट ए जो है उसके नज़दीक हम लोग एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मान लो, या फिर उसमें चार्ज आपको देना है दो, आपकी मर्जी। तो जैसे ही आप दूसरी प्लेट इसके नज़दीक लेके आते हो, ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है इसमें, या फिर इसमें आपको जो चार्ज देना है आप दे सकते हो, यू आर फ्री। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आती है, ये जो ओवरऑल प्लेट है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज नेगेटिव। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्फेस पे आने की कोशिश करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक सर्फेस पे आ गए, इक्विवेलेंट अपोजिट अपोजिट सर्फेस में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये बन गए नेगेटिव, ये बन गए पॉजिटिव। अभी अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो अभी पहले इतना नहीं है। मान लो पहले इसका पोटेंशियल एक सर्टन पॉइंट पे इसकी वैल्यू थी 150, लेकिन अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू 150 नहीं होगी। Q इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, इसका मतलब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। तो हमें क्या करना है, हमें एनी हाउ ये जो C की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके C की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि C डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ये इक्वेशन में यूज करते हैं तो, या फिर दूसरा आप एक करो कि V की वैल्यू कम करते जाओ, या फिर दोनों कर सकते हो, V भी कम करो Q भी बढ़ाओ, अल्टीमेटली C की वैल्यू आपको इन्फ्लुएंस करनी है। तो जैसे ही आप ये सिचुएशन जनरेट करते हो तो अभी होगा क्या, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना यहाँ पे, ये पोटेंशियल के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा, V माइनस V1 ऐसा अफेक्ट करेगा। मतलब पहले इसकी वैल्यू 150 है, मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की वैल्यू मान लो 70 है, 70 वोल्ट, तो यहाँ पे 150 माइनस 70 ऐसा कुछ तो इफेक्ट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी दूरी पे आपके पास V2 भी है, लेकिन ये V2 की वजह से जो इफेक्ट होगा डिस्टेंस की वजह से, ये जो V2 का इफेक्ट होगा वो V1 पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कम होगी वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है, V फाइनल दैट विल बी इक्वल टू इसका ओरिजिनल पोटेंशियल, ये माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे V फाइनल की वैल्यू क्या होगी, V माइनस V1 प्लस V2। लेट ये सारे अजम्पशंस है, वैल्यूज जो ले रहे हैं हम लोग हमारे हिसाब से ले रहे हैं। मान लो पहले केस में V की वैल्यू 150 है, नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू जनरेट हो रही है कोई तो एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट पे मान लो वो 70 है, ठीक है, और जो थर्ड है वहाँ पे जो आंसर मिल रहा है हमें वो 50 के बराबर मिल रहा है। अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड करोगे तो आंसर आ गया 120 वोल्ट। और ये 120 वोल्ट क्या है, ये है पहले प्लेट के ऊपर जितना भी पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू वो बता रहा है। तो मतलब देखो ना, ओरिजिनल वैल्यू 153 वो अभी डिक्रीज हो गई। तो अल्टीमेटली अगर V की वैल्यू कम हो गई तो अल्टीमेटली C की वैल्यू क्या होगी, आपकी बढ़ने वाली है, ऐसा आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर आपका ओवरऑल C की वैल्यू बढ़ानी है तो आप उसमें चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। केस नंबर थ्री कैसा होता, सेम डायग्राम आप वहाँ पे ड्रॉ करो और यहाँ पे आप एक ऐसा ग्राउंड कनेक्ट करो। तो ग्राउंड कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव को नलीफाई कर देंगे, ठीक है, या फिर जो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये अल्टीमेटली नलीफाई हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर ये पूरा का पूरा नलीफाई हो गया, केस थ्री के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी 150 माइनस 70 और ये प्लस जीरो आएगा बिकॉज वो अभी है ही नहीं, तो ये कितना होगा 80 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल और कम कर दिया, मतलब और ज्यादा चार्ज इसमें दिया जा सकता है कम स्पेस में और एनर्जी भी ज्यादा स्टोर की जा सकती है। ये है कैपेसिटर के आइडिया। अभी देखते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला
पॉइंट कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पहला पॉइंट, लेट कंसिडर देर आर टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग मटेरियल. तो ये दोनों के बीच में इंसुलेटर होगा. सो लेट अस कंसिडर अ प्लेट बी नियर प्लेट ए. तो प्लेट बी है हमारे पास, इसको प्लेट बी नाम देते हैं. प्लेट बी को, ये भी प्लेट ए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए है. ये भी इसके जैसे प्लेट आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सो प्लेट बी है नियर प्लेट ए. सो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग के दो टाइप्स होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. कंडक्शन में एक्चुअल कॉन्टैक्ट करते हो, इंडक्शन में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं करते हो आप. सो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक सरफेस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपोजिट सरफेस पे जाएगा, एज शोन इन अ डायग्राम. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर टू, नेगेटिव चार्ज टेंड टू डिक्रीज. अब ये नेगेटिव चार्ज जो, इसकी वजह से पोटेंशियल वी जो है ए का, ये कम होगा, ठीक है. एंड पॉजिटिव चार्ज जो है दैट विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट ए. तो वही पॉइंट दे, नेगेटिव चार्ज टेंड टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए एंड इंड्यूस पोटेंशियल. ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड नेगेटिव, और इंड्यूस पॉजिटिव टेंड टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए. लेकिन नेगेटिव जो है वो इसके नजदीक है, इट इज अ मोर इफेक्टिव. सो जो है नेगेटिव का इफेक्ट वो ज्यादा होगा. पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं, ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए इज डिक्रीज्ड एंड मोर चार्जेस कैन बी गिवन टू इट. तो अगर पोटेंशियल कम हो गया तो और चार्जेस आप उसको दे सकते हो. सो कैपेसिटी ऑफ ए कैन बी इंक्रीज्ड, ऐसा आप बोल सकते हो. अभी और एक चीज की जा सकती है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किया था केस थ्री में, अर्थिंग कर दो, यहाँ पे ग्राउंड लगा दो, अर्थिंग नहीं ग्राउंड कर दो. सो अर्थ अगर आप करते हो कनेक्ट तो मोर पोटेंशियल उसको कम किया जा सकता है और ज्यादा चार्जेस आप दे सकते हो. सो अल्टीमेटली कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर फोर. लेट सी इसके टाइप्स कौन से होते हैं, सिंबल कौन से होते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीनों का डेरिवेशन हम देखेंगे, अच्छे से बताऊंगा. सिंपल है बहुत, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं. और यहाँ पे सिंबल, अगर फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर है तो ये सी से रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, बीच में इंसुलेटर होता है. लेकिन अगर कैपेसिटी की वैल्यू भी वेरी करनी है आपको, सो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल इज समथिंग लाइक दिस. सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल को अच्छे से देखा. आई होप सो ये आपको अच्छे से समझा.